चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ देखने वालेंगे हम FCRA एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है। तो ये वाला जो एक्ट है, कुल मिलाकर के यदि देखा जाए ना, तो जो NGO हैं उन पर लगाम कसने के लिए लाया गया था। ठीक है, लगाम किस प्रकार की कि जो NGO रहते हैं वो अपने इंडिया में, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन यदि है उनका, तभी वो लोग फॉरेन से सहायता ले सकते हैं अपने कामकाज को चलाने के लिए, अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए। तो ये जो विदेश से पैसा ले रहे थे ना, सरकार ने इसके ऊपर लगाम लगाई है। पहले जितनी ये राशि ले सकते थे, अब उतनी राशि से इन्होंने कटौती कर दी है। तो अब चूंकि ये क्या रहते हैं ना, नॉन प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, संस्था रहते हैं, जैसे कि दलित लोगों की सेवा करना हो, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ये संस्थान करते हैं, तो इनको क्या है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लोग क्या काम करते हैं, विदेशों से भी अब सहायता लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो सरकार का ऐसा कहना है कि ये जो NGO है ना, इनके पास जो पैसा आता है विदेश से, वो नक्सल लोगों की ट्रेनिंग में यूज़ होता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये लोग विदेश से चंदा ना लें, उसके ऊपर हम नक्केल कसना चाहते हैं। तो यही बात इसमें बताई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से, कि जो है आप ये जो मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हो, तो ये जो काम है आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को ही क्यों दिया है? तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था, हमने ऐसा इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, इसलिए हमने अपने हाथ में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हाथ में ये काम दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखो यदि आपको ये मॉनिटरिंग का काम देना ही है, तो फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को क्यों दिया है? ठीक है, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्यों ये काम नहीं सौंपा है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इधर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, मेहता का कहना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट से हमको ये पता चला है कि जो फॉरेन से पैसा NGO के पास आता है, ये लोग इसका प्रयोग क्या काम करते हैं, हमारी नेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरे में डालने का काम करते हैं। मतलब सरकार के पास किसी भी बात का एक जवाब रहता है, नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का। ठीक है, चाहे वो किसानों का धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो पेगासस स्पाईवेयर के मामले में जवाब देना हो, सबको एक ही चीज़ से सरकार रंगना चाहती है, एक ही पेंट से सबको पेंटिंग करना चाहती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का और इंटीग्रिटी का यहाँ पर एलिमेंट मौजूद है यहाँ पर, तो इसीलिए हम जो है ना, फॉरेन कंट्री पे को, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के माध्यम से देख रेख कर रहे हैं। FCRA एक्ट के बारे में यदि हम देखें, तो इसको संशोधन किया गया है, कुछ कुछ बदलाव ऐसे किए गए हैं कि NGO के जो भी वर्कर रहेंगे, उनके लिए आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है, ठीक है, और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने के लिए इसमें पाबंदी लगा दी गई है। कोई NGO या फिर एसोसिएशन को अपना FCRA प्रमाण पत्र वापस करने की अनुमति दे सकता है, ऐसा इसमें किया गया है। इसमें लिमिटेशन लगाई गई है, पहले 50% आप खर्च कर सकते थे, लेकिन अब जो है विदेशी कोष का केवल 20% हिस्सा ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर सकते हो, ये NGO के लिए है, ठीक है। FCRA एक्ट के अंतर्गत ना एक काम और किया गया है, कि इसमें बताया गया है कि पार्टिकुलर सरकार जो लिस्टेड बैंक हैं उन पर ही आप अकाउंट अपना खोल सकते हो, और उसमें विदेश का पैसा आएगा और सरकार उसकी मॉनिटरिंग करती रहेगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे कि SBI है, SBI की जो मेन ब्रांच है दिल्ली में, यहाँ पर आपको अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। तो कुल मिलाकर के विदेश से जो आने वाला पैसा है NGO के लिए, उसमें कमी लाने का ये काम करता है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे PIB की तरफ, और PIB में देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी उसको, ठीक है। तो PIB में भी देखा जाए ना, तो कल की डेट में उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं आई थी, एक ही न्यूज़ है जो कि एक पनडुब्बी है जिसका नाम है वेला। तो ये भारतीय नौसेना को चौथे नंबर की स्कॉर्पिन पनडुब्बी वेला सौंप दी गई है। भारतीय नौसेना को परियोजना 75 की चौथी पनडुब्बी यार्ड 11878 को 9 नवंबर 2021 को सौंप दिया गया है। परियोजना 75 बताया जाता है। इस परियोजना में स्कॉर्पिन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इन पनडुब्बियों का निर्माण कौन करेगा? फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
करने वाला है। कौन कौन लोग? फ्रांस के मेसर्स नवल ग्रुप और मुंबई में स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा होने वाला। ठीक है, पनडुब्बी वेला का जलावतरण के बारे में बात बताई गई है कि 6 मई 2019 को पनडुब्बी वेला का जलावतरण किया गया था। इसने कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख पत्तन और समुद्री परीक्षणों का जो टेस्टिंग है उसको इसने पूरा कर लिया है। और इन पनडुब्बियों में से 3 पहले से ही भारतीय नौसेना के अभियान में शामिल हो गई हैं और जल्दी ही इस पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा और भारतीय नौसेना की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। आज के न्यूज़पेपर में यदि एडिटोरियल को देखा जाए ना तो उतनी कोई खास तो नहीं लगा, इसलिए आज का एडिटोरियल हम रहने देते हैं। आगे की जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम देखते रहते हैं। इसके बाद एक चार्ट आप देख रहे हैं, डेटा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस अभी कौन कौन, पुलिस जो स्टाफ है ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता है इसके बारे में ये बात बताई गई है। यहाँ पर रिसेंटली बताया जाता है 3 नवंबर को तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सेक्शन किया था 1 दिन का वीकली ऑफ इनके लिए जो लोग पुलिस में जॉब करते हैं। इनकी रैंक होना चाहिए कहाँ तक? हेड कांस्टेबल तक, ताकि ये लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। द मूव वॉज नेसेसिएटेड बाई द फैक्ट दैट 1 in 2 पुलिस पर्सनल इन इंडिया डू नॉट गेट वीकली ऑफ। ठीक है, हर 2 में से 1 पुलिस वाला जो है वीकली ऑफ नहीं ले पाता, अकॉर्डिंग टू ए 2019 का सर्वे। यदि हम एवरेज बताएं तो 80% फोर्स वर्क मोर देन 8 आवर्स ए डे। 80% से ज़्यादा जो पुलिस में जॉब करते हैं वो लोग 8 घंटे से ज़्यादा जॉब करते हैं। अब जो जॉब करता है ना वो अच्छी तरह से जानता है, पुलिस वाले एकदम परेशान ही रहते हैं। नियरली 7 in 10 पर्सनल, 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने रिपोर्ट किया है दैट ए हायर वर्कलोड टू के टोल ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर जॉब इफेक्टिवली। अब 10 में से 7 लोग ऐसा कह रहे हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ गया है, इससे फिजिकली मेंटली और ये काफ़ी इफेक्टेड हो रहे हैं और अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वीकली ऑफ को लेकर यहाँ डेटा बताया जाता है, ये जो चार्ट है ये बात बताया जाता है कि एवरेज वीकली ऑफ्स पुलिस पर्सनल गेट इन इंडिया, एवरेज कितने पुलिस पर्सनल जो है ठीक है वीकली ऑफ लेते हैं इंडिया में। बताया जाता है कि 1 in 2 पर्सनल सेट दे डिड नॉट गेट वीकली ऑफ्स वाइल 26% रिपोर्टेड दैट दे गेट 1 day off a week एज मैंडेटेड इन द मॉडल पुलिस एक्ट। इसके अलावा काम के घंटों के बारे में बताया जाता है, ये जो चार्ट है वो ये बताता है कि एवरेज वर्किंग हावर्स ऑफ पुलिस पर्सनल इन इंडिया। नियरली लगभग 80% ऑफ द फोर्स सेट कहना, पुलिस वालों को कहना है कि दे वर ऑन ड्यूटी फॉर मोर देन 8 आवर्स ए डे, 1 दिन में 8 घंटे से ज़्यादा वो पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं। 8 आवर्स इज मैक्सिमम लिमिट सजेस्टेड बाय द मॉडल पुलिस एक्ट। मॉडल पुलिस एक्ट कहता है कि 8 घंटा जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड है। क्लोज टू 44% वर्कड फॉर मोर देन 12 घंटा वाइल 25% ने ये रिपोर्ट किया है कि वर्किंग फॉर मोर देन 16 घंटा प्रतिदिन। ओनली 13% लोगों का कहना है कि उन्होंने 8 घंटे काम किए हैं। 25% तो कह रहे हैं हमने 16 16 घंटा काम करे, 40% कह रहे हैं हमने 12 घंटे से भी ज़्यादा काम किए हैं। इसके अलावा बताया जाता है पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, 56% ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स रिपोर्टेड दैट दे हैड नॉट बीन ए लॉन्ग हॉलीडे इन द पास्ट 2 से 3 साल। तो घर वाले अलग परेशान हैं, हम इनके साथ हॉलीडे में कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, पिछले 2 से 3 साल हो गए। और 68% लोगों का ऐसा कहना है कि दे हैड नॉट बीन ऑन पिलग्रिमेज इन द पास्ट 2 से लेकर के 3 ईयर। मतलब कि 68% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम कहीं अभी तीर्थ स्थान तक नहीं जा पाए हैं, 2 से 3 साल हो गए पिछले। और 41% लोगों का ऐसा कहना है कि दे हैड नॉट विजिटेड देयर रिलेटिव आउट ऑफ टाउन, टाउन से बाहर हमारे कोई रिश्तेदार है तो हमको देखने तक नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा वर्कलोड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है, ये जो टेबल बनाई गई है इसमें लिस्ट किया गया है इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग वर्किंग हावर ऑन द पुलिस फोर्स। लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति पुलिस की जॉब में लगा है तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बताया जाता है ओवरऑल 76% ऑफ द पर्सनल इन्होंने रिपोर्ट किया है ए हाई वर्कलोड मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी वेल। 76% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ गया है, अब हम ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
80% से भी ज़्यादा पुलिस फोर्स का कहना है दैट द वर्कलोड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डिवोट टाइम टू देयर फैमिली। इतना ज़्यादा वर्कलोड है, परिवार को तक टाइम नहीं दे पा रहे हैं, 80% लोगों ने ऐसा कहा था। एज मैनी एज 73% लोगों का कहना है कि वर्कलोड टू के टोल ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो माइंड है, सब दिमाग काम करना बंद कर दिया है, 73% लोगों का ऐसा कहना है। इसके बाद वाली एक न्यूज़ आई है पद्म अवार्ड से रिलेटेड। पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एनुअली ऑन द रिपब्लिक डे, मतलब 26 जनवरी को इनका अनाउंसमेंट किया जाता है, ठीक है। इनकी संस्थापना हुई थी 1954 में और इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, मतलब यदि किसी व्यक्ति को उसके अच्छे काम के लिए पुरस्कार देना है तो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, पद्म अवार्ड होता है। इसका आखिर उद्देश्य क्या है, द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज और डिसिप्लिन वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन ऑल। तो जहाँ पर भी पब्लिक सर्विस, जनता की सेवा इन्वॉल्व है, वहाँ पर ये अवार्ड दिया जा सकता है। अलग अलग इसकी कैटेगरी होती हैं, 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। पद्म विभूषण, ठीक है, फॉर एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है, असाधारण, विशेष, एंड डिस्टिंग्यूस्ड सर्विस। डिस्टिंग्यूस्ड का मतलब होता है विशिष्ट, प्रसिद्ध। और पद्म भूषण जो अवार्ड होता है, डिस्टिंग्यूज सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, पद्मश्री डिस्टिंग्यूज सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब जो पद्म विभूषण है वो हाईएस्ट है इन तीनों में से, इन द हायरार्की ऑफ पद्म अवार्ड, फॉलोड बाय उसके बाद पद्म भूषण आता है, इसके बाद आता है पद्मश्री। इसके बाद इनके सब्जेक्ट बताए जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में इनको प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट, सिविल सर्विस। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाता है कि पद्म अवार्ड की एक कमेटी बनाई गई है। द अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्म, मतलब ये जो अवार्ड है कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसके लिए रिकमेंडेशन की जाती है पद्म अवार्ड कमेटी के माध्यम से, जो कि कंस्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। हर साल प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी को गठन करता है, और गठन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, और अवार्ड कौन प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। द अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज यूजली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एवरी ईयर। तो वही यहाँ पर न्यूज़ बात बताई जाती है कि पद्म विभूषण जो आवाज़ है ना, SPV को प्रोवाइड किया गया है, जो कि उनके मरणोपरांत ये प्रोवाइड किया गया है। लीजेंडरी सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम, इनको प्रोवाइड किया गया पद्म विभूषण अवार्ड, द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द कंट्री, एट ए सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। बाला सुब्रमण्यम का जो सन है, SP चरण ने रिसीव किया था अवार्ड ऑन हिज फादर्स बिहाफ फ्रॉम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेवी से। हरि कुमार ने नेवी के चीफ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, प्रेजेंटली फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOC इन सी वेस्टर्न नवल कमांड, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। तो अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन द चीफ, वेस्टर्न नवल कमांड के हैं ये। ही विल बी टेक ओवर ऑन November 30 व्हेन इनकम्बेंट एडमिरल करमबीर सिंह रिटायर फ्रॉम द सर्विस। तो ये करमबीर रिटायर होने वाले हैं, 30 तारीख को ये पोस्टिंग हो जाएगी इनकी। आगे थोड़ी सी इनकी लाइफ के बारे में बात बताई जाती है कि वाइस एडमिरल कुमार ग्रेजुएटेड फ्रॉम J स्क्वाड्रन 61 कोर्स नेशनल डिफेंस अकेडमी इन December 1981, ठीक है। इनको कमीशन किया गया था इनटू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द नेवी, कब, 1 जनवरी 1983। तो आप सोच सकते कितने पहले की ये बात है, उस समय में ये इतनी बड़ी पोस्ट पर थे। ड्यूरिंग ए कैरियर स्पैनिंग नियर 39 ईयर्स ही हैज सर्वड इन वेराइटी ऑफ द कमांड, 39 साल हो गए, स्टाफ एंड इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद एक न्यूज़ देखने वाले हैं जो कि मेडिकल से रिलेट करती है। डिमांड फॉर पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन ऑन द राइज इन द कंट्री, हमारे देश में पोर्टेबल ऑक्सीजन की जो कैन है इनकी डिमांड बढ़ गई है। फिर भी डॉक्टर लोगों का कहना है दे गिव ए रॉन्ग सेंस ऑफ द सिक्योरिटी, लेकिन ये बात जो है गलत संदेश दे रही है, सही नहीं संदेश देती है, सही बात सही नहीं है। डॉक्टर्स आर अफ्रेड दैट ऑक्सीजन कैन में डिले इन मेडिकल इंटरवेंशन, इसका मतलब ये है कि आप इसका यूज़ तो कर ले रहे हो लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन को कुल मिलाकर के आप डिले कर रहे हो,
ठीक, आप खुद से ही कर ले रहे हो, डॉक्टर को बुलाने की आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, कुल मिला के बात ऐसी है। आफ्टर ऑक्सीजन सिलेंडर इट इज़ एवरी डे यूज पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन दैट आर नाउ विटनेसिंग ब्रिस्क सेल अक्रॉस द कंट्री। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जा रही थी, अब ये दूसरी नई बात आ गई है ऑक्सीजन कैन की। और रीजन यहाँ पर आ गया है कि इसका एस्केलेटिंग एयर पॉल्यूशन लेवल, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप आदमी को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है ना वो बढ़ गई। इट इज़ ऑल्सो बींग यूज बाई द दोस्त रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना। तो ये लोग वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं जो कि रिकवर हो रहे हैं किससे, कोरोना की बीमारी से। तो इस प्रकार के जो ऑक्सीजन कैंस हैं ना, इनकी जो बिक्री है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैव डबल्ड पोस्ट दिवाली, दीपावली के बाद से तो इसकी डिमांड बढ़ गई, डबल हो गई। एंड गोइंग बाई द करेंट ट्रेंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द कमिंग वीक, आने वाले हफ्ते में ये 3 गुना हो जाएगी। दिल्ली NCR अकेले की हम बात कर लेना तो 65% ऑफ द सेल, वाइल मुंबई बेंगलुरु एंड पुणे आर ऑल्सो विटनेसिंग ए स्टेडी क्लाइम इन द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। इसके बाद ये अगले में मुंबई बेंगलुरु और पुणे आ जाते हैं, यहाँ पर भी भारी डिमांड है। दिस वेन मेडिकल डॉक्टर आर नॉट रेडी टू गिव एन ऑल क्लियर फॉर प्रोडक्ट स्टेटिंग दैट इट कैन एक्चुअली डिले मेडिकल इंटरवेंशन एंड लीड टू फॉल्स सेंस ऑफ द वेलबींग। इससे ये बात साबित होती है कि मेडिकल इंटरवेंशन इसमें होने वाला है, ठीक है, उसमें डिले होने वाला है, ये बात निश्चित है। क्योंकि आपने तो ऑक्सीजन को कैन को लगा लिया, अब सोच रहे हैं कि डॉक्टर को नहीं भी दिखवाएंगे तो चलेगा, लेट भी आएगा तो चलेगा। तो और डॉक्टर लोगों का क्या कहना है कि दीज कैन आर नॉट यूजफुल एंड दे शुड नॉट रिकमेंडेड, ये कोई काम की नहीं है और इसको हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकली आप देखोगे एक पेशेंट को नीड रहती है ऑक्सीजन की, विल रिक्वायर एटलीस्ट 1 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में उसको 1 लीटर की रिक्वायरमेंट रहती है। वाइल दिस पोर्टेबल ऑक्सीजन स्प्रे कैन हैव अप टू 12 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन, 12 लीटर से भी ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन रहती है, दे विल लास्ट फॉर अबाउट 10 मिनट और इवन लेस, 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी या फिर उससे भी कम। तो आखिर हम फिर इनका यूज़ कहाँ करेंगे ये वाली कैन का? तो इनका कहना है कि ये जो स्प्रे कैन है ना, इनका यूज़ किया जा सकता है केवल उसी एरिया में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर एयर पोल्यूशन है, फॉर सर्टेन स्पोर्ट एक्टिविटी, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग एंड एक्सपीडिशन। यदि आप ऊंचाई में जा रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ी चढ़ रहे हैं, तो ऐसे अभियानों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। माउंटेनियरिंग, स्काई एक्सपीडिशन इत्यादि के कामों में आप इस प्रकार की कैन का यूज़ कर सकते हैं। एज ऑक्सीजन सपोर्ट कंबसन स्टोरिंग दिस एट होम इज ऑल्सो हजार्डस। इसके अलावा भी जो है ना, इसका घर में यदि आप इसका स्टोरेज करके रख रहे हो ना, तो ये काफ़ी खतरनाक होता है, ऐसा इनके द्वारा बताया जाता है। एक बात और ये है, कई लोग ऐसे टाइम पास के लिए लगा लेते हैं, दिस मीन फॉर रिक्रिएशनल, मतलब ऑक्सीजन, वो रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन के लिए। ऑक्सीजन यूज विच इज सपोज टू मेक यू मोर अलर्ट एंड एक्टिव। कई लोग सोचते हैं कि हम बढ़िया एक्टिव रहेंगे, ठीक है, बढ़िया अलर्ट रहेंगे, इसलिए हम इसको लगा लेते, लेकिन दिक्कत ये है ना कि यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है उसका जो अमाउंट है उसको आप कंट्रोल नहीं करते, ऐसा कोई उसमें सिस्टम नहीं रहता कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड। तो चाइना ने एक्सपोर्ट किया है वारशिप किसको, पाकिस्तान को, ताकि ये पाकिस्तान इंडियन ओशियन में इसको डिप्लॉयमेंट कर सके। इट विल स्ट्रेंथन पाक नेवीज कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मेरी टाइम चैलेंजेस। तो मेरी टाइम में भी जो जो चैलेंजेस हैं उसको पाकिस्तान अब अच्छे से फेस कर पाएगा, इसका ये उद्देश्य यहाँ पर बताया जा रहा है। 4 Type 054A फ्रिगेट्स आर बींग कंस्ट्रक्टेड फॉर द पाकिस्तान नेवी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो जो फ्रिगेट्स रहता है ना, फ्रिगेट्स के बारे में हम जान लेते हैं, फ्रिगेट्स आखिर बोलते क्या हैं। तो स्मॉल फास्ट शिप होता है इन नेवी दैट ट्रेवल विथ अदर शिप्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। नौसेना में द्रुतगामी छोटा जहाज रहता है जो अन्य जहाजों की सुरक्षा के लिए उनके साथ में जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रिगेट्स। तो चाइना ने मंडे के दिन डिलीवर कर दिया है पाकिस्तान की नेवी को व्हाट इट्स ऑफिशियल मीडिया डिस्क्राइब एज मोस्ट एडवांस, कहता है चाइना इसको, वारशिप एवर एक्सपोर्टेड, अभी तक जो एक्सपोर्ट किया है उसमें सबसे ज़्यादा एडवांस है ये, विच इज़ टू बी डिप्लॉयड बाय पाकिस्तान इन द इंडियन ओशियन। द डिलीवरी ऑफ द टाइप 054A फ्रिगेट इज़ द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन।
इससे ये बात पता चलती है कि पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री रिलेशन है वो करीब हो रहे हैं। विच मैनी चाइनीज एंड पाकिस्तानी एनालिस्ट सी एस एम एट बोलस्टरिंग पाकिस्तान कैपेबिलिटी इन द इफोर्ट टू बैलेंस इंडिया इन द रीजन। तो कई लोग तो ऐसा मान रहे हैं कि इंडिया की पावर के साथ में पाकिस्तान की पावर को बैलेंस करने का ये काम किया गया है। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इसको आखिर बनाया किसने है। शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन CSSC ने इसको डिज़ाइन किया है और बिल्ड किया है द फ्रिगेट एस। इनका कहना है कि वारशिप वाज डिलीवर्ड टू पाकिस्तान नेवी इन द कमीशनिंग सेरेमनी इन द संघाई। और भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके अलावा इसका नाम रखा गया PNS टुघरिल इसका नाम रखा गया है और बताया गया है बीइंग इक्विप्टेड विद स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। इसके अलावा मॉडर्न सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी रहेगी। द टाइप 50054 AP फ्रिगेट कैन सिमुलटेनसली एग्जीक्यूट ए नंबर ऑफ नवल वारफेयर मिशन इन ए हाईली इंटेंस मल्टी थ्रेट एनवायरमेंट एरिया। इसके बाद हम चलते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ और देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है अभी नई नई जो घोषणाएं की गई हैं देशों की तरफ उसको लेकर के। ठीक है, तो इसमें कहना है कि न्यू क्लाइमेट प्लेजेस बियरली इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमने ये सोच लिए हैं कि इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से ये प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत मुश्किल से आप रोक पाओगे ग्लोबल वार्मिंग को, यूनाइटेड नेशंस का कहना है। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा और आगे और तेज़ी के साथ में काम करने की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कहना। मतलब ग्रीन हाउस की जो कटिंग है ना वो बहुत तेज़ी के साथ में आपको करना होगा। नेशंस हैव प्रेजेंटेड ए रेंज ऑफ न्यू इन्हेंस्ड कमिटमेंट इंक्लूडिंग वो बाय इंडिया टू कार्बन न्यूट्रल बाय 2017। उनमें से इंडिया भी शामिल था कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो कार्बन इमिशन हो, मतलब जितना हम यूज़ करेंगे उतना उसको हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। यूएन क्लाइमेट चेंज का कहना है कि लास्ट वीक कंट्री ने एनडीसी की घोषणा करे थे। एनडीसी मतलब अपनी अपनी तरफ से जो हम इतना कार्बन कम कर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी इतना यूज़ करेंगे, उसको एनडीसी नाम दिया गया। वुड सी इमिशंस क्लाइम 13.7% बाई 2030 बिफोर शार्पली डिक्लाइनिंग देयर आफ्टर। टू कीप इन द लाइन विद 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इमिशन मस्ट इंस्टीट फॉल बाई 40% बाई देन। तो यदि आपको ये लक्ष्य हासिल करना है तो 45% की आपको कटौती करने की ज़रूरत पड़ेगी।